हेलो मैम. हेलो. वेलकम टू द थॉट्स ऑफ एजुकेशन बाय कॉलेज दुनिया. एंड टुडे वी हैव एचओडी ऑफ फिजिक्स. हेलो मैम, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. माय नेम इज पल्लवी शिखावत. आई एम फिजिक्स टीचर, फिजिक्स लेक्चरर. ओके. एंड मैम, कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड. एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब फिजिक्स जो है ना, उसमें आपको ना स्कोप में बहुत ज्यादा स्कोप है. आप यहाँ पे रिसर्च सेंटर में जा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे, अब तो ये हो गया है कि इसमें ना मॉडर्न और क्लासिकल. मैम, आपका कितने इयर्स एक्सपीरियंस रहा है? फोर इयर्स से आप चुके हैं मुझे. ओके मैम, ग्रेट ग्रेट. एंड मैम, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ लीडरशिप? लीडरशिप में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आप कितना ज़्यादा नॉलेज सबसे ज़्यादा होनी चाहिए. अगर नॉलेज है तो आप किसी को कुछ बता सकते हो, अदरवाइज आप कुछ बता ही नहीं सकते. ओके मैम, ग्रेट. एंड मैम, आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन इंडस्ट्री, हाउ इट्स द बेस्ट इंडस्ट्री टू वर्क इन? एजुकेशन तो बहुत बहुत सही है, क्या कहा जाए तो. okay. और वो भी जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा सही है. जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आप में क्वालिटी डेवलप हो जाएगी. ओके मैम, ग्रेट. एंड मैम, आप अपने बच्चों को आज के जो भी चैलेंजेस आते हैं वो उसको फेस करने के लिए आप उनको प्रैक्टिकली क्या सिखाते हैं? बच्चे तो भी बच्चों को जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल सिखाए जाएंगे वो ज़्यादा सही होंगे, क्योंकि थ्योरी तो सब लर्न कर लेते हैं. मैम, जब आप जब स्टडी करते थे तब के टाइम पे देखते हैं, एंड आज के टाइम पे आप जब आप पढ़ाते हैं बच्चों को, तब आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है, चेंजेस है टाइम पर? टाइम में ये डिफरेंस आ गया कि अब ऑनलाइन जितनी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं ना, वो पहले नहीं थी. और अब हर चीज़ जो है वो हमें नेट पे मिल जाती है. पहले ऐसा होता नहीं था, पहले रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता था. अब तो बिना रेगुलर कॉलेज जाए भी बच्चे खुद ही यूट्यूब से पढ़ के पास हो जाते हैं, खुद ही खुद के हिसाब से कुछ भी नोट्स ले लेते हैं और पढ़ लेते हैं. एंड मैम, आपके कॉलेज में बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? बच्चों के लिए अच्छा प्रैक्टिकल जो है, एपरेटस वगैरह सब प्रोवाइड किया जाता है. बच्चों को अच्छा सिखाया जाता है, सारा कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं. और बस ये है कि अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा तभी वो पढ़ पाएगा, और अगर वो बोर हो रहा है तो फिर उसको समझाने से कोई मतलब नहीं. या मैम, ट्रू. एंड मैम, आप कोई फीडबैक देना चाहेंगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? अच्छे से पढ़ना चाहिए बेटा, थोड़ा सा समझ जाओ. अब आज की जो जनरेशन है वो पढ़ती नहीं बिल्कुल. अच्छा. बिल्कुल नहीं पढ़ती, लेकिन अगर वो पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर बाद में वही होगा कि हम रट के और फिर पास हो गए और अपने पेपर लिख गए और बाकी सब साफ है. Great, ma'am. Thank you so much for your precious time. Thank you, ma'am. Thank you so much.